हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 9 फरवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाटा स्टील में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन टाटा स्टील में हमें 3.09% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1219.60 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। करंटली कैंडल जो है मीडियम साइज की बनी है, नीचे के साइड में हमें एक बड़ी जो विक देखने मिल रही है और RSI जो यहाँ पे 61-62 के आसपास जो वो आ चुका है। बाकी याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हमें जरूर जो RSI भी डाउन साइड का इशारा देता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है कोई भी इंडिकेटर्स पे जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंडिकेटर पे जो भरोसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है यहाँ पे हमें पॉजिटिव जो जाते देखने मिलने वाला है। करंटली अगर मैं यहाँ पे इस वीक के एंड तक की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस स्टॉक जो हमें वापस से थोड़ा सा डाउन साइड जाते देखने मिल सकता है। क्यों देखने मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अभी भी जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 EMA जो अभी भी 50 EMA के नीचे चल रहा है, बहुत ही हाई चांस यहाँ पे बना रहा है कि 20 EMA यहाँ पे क्रॉस करते हुए जाए 50 EMA को और फिर यहाँ पे हमें एक परमानेंट अपसाइड मूवमेंट का जो एक इशारा देखने मिल सकता है। करंटली स्टॉक जो है हमारे हिसाब से जरूर पॉजिटिव जाते हुए देखने मिलने वाला है, लेकिन कुछ दिनों के लिए स्टॉक जो है यहाँ पे 2 या 3 डेज के लिए वापस से डाउन साइड जाते हुए देखने मिल सकता है। अगर यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी अगर आपको लग रही है छूट गई है तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी वापस से जो है एंट्री करने की मिलने वाली 1170 का बहुत ही बढ़िया एंट्री का लेवल हमें देखने मिलने वाला है। जरूर जब वहां पे एंट्री करें क्योंकि वहां से फिर हमें जो एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट जो देखने मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों का जो है हमने बात कर ली वन डे में, लेकिन कल के लिए स्टॉक में हम जरूर हमारे 1 आवर के चार्ट में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी स्टॉक में होती है उसका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं जरूर जो मार्क करके बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो चेंजेस देखने मिला वो मैं यहाँ पे पहले कर देता हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो वो चेंजेस जो है जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ आप जो अपने चार्ट में भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस इतना ही था, ज्यादा नहीं था, एक ही था, बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी की सारी मार्किंग जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हमें कोई भी मार्किंग्स करने की जो अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो है 1219 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 1210 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1225 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो बनता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो यहाँ पे हमने जो है आई बटन में कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो एक वीडियो डाला है, वहाँ पे हमने पूरा कन्फर्मेशन कैंडल टारगेट किस से डिसाइड करना है, किस से आपको डिफरेंस जो है वो भी यहाँ पे आपको जो है डिसाइड करना है, सारी की सारी बात जो हमने आपको बताई है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देखें ताकि यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में समझ आए किस तरह से आपको जो वहाँ पे ट्रेड करनी होती है। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट डायरेक्ट रेजिस्टेंस के यहाँ पे अगर क्रॉस हुआ तब आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी की सारी बात हमने वहाँ पे बताई है।
बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेसिजन आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेसिजन यहाँ पे क्या बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद का अगला सपोर्ट आता है 1194 का, उसके बाद का आता है 1181 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेसिजन के बाद का अगला रेसिजन आता है 1237 का, उसके बाद का आता है 1254 का। तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट और दो रेसिजन जो है वो मैंने बता दिए हैं, जरूर जो है उसी को कंसिडर में रखते हो जो आप यहाँ पे अपना जो है कल के दिन जो ट्रेड ले। अब बात है यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो जरूर नेगेटिव का यहाँ पे बन रहा है, लेकिन प्री ओपन मार्केट में स्टॉक जो किस तरह से परफॉर्म करता है वो हमें जरूर देखना है, क्योंकि अगर हमारे डायरेक्ट रेसिंग को क्रॉस करते हुए चले गया तो स्टॉक जो आपको अच्छा बड़ा मोमेंट जो देते हुए देखने यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाला है, तो वहां पे उस ट्रैप पे आप बिल्कुल भी ना फंसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1225 जैसे ही क्रॉस होगा तो 1237 का एक अच्छा यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस जोन जो है वो 200 एमए का वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो है वो बनता है। यहाँ पे वन डे के चार्ट में बता तो ये आप देख सकते हैं, ये जो वाइट लाइन है वो 200 एमए की लाइन है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस जो है वो बढ़िया जो है फेस करने हुए देखने मिल सकता है, फिर वहां से डाउन साइड जो स्टार्ट हो सकता है। बहुत ही हाई चांस है कल के दिन स्टॉक जो है 1194 से लेकर 1210 के बीच में क्लोजिंग देखते हुए देखने हमें मिल सकता है, मतलब स्टॉक जो कल के दिन हमें नेगेटिव क्लोज जो देखते हुए जा सकता है यहाँ पे कल के दिन। आपका क्या ओपिनियन बनता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा जो एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।